हम गोले के अंतर्गत उस गोले का समीकरण ज्ञात करेंगे जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं। सिरों के निर्देशांक दिए गए हों। उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हों। हम इस गोले पर विचार करेंगे। इस गोले का केंद्र दिया गया है तथा व्यास दिया गया है। इस गोले का व्यास हमें दिया गया है ए बी। ए बी गोले का व्यास है। गोले का केंद्र सी हमें गोले के व्यास के सिरे दिए गए हैं। माना गोले का व्यास ए बी है। ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए के निर्देशांक एक्स वन वाई वन जेड वन तथा बी के निर्देशांक एक्स टू वाई टू जेड टू हैं। हमें ए के निर्देशांक दिए गए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन तथा बी के निर्देशांक दिए गए हैं एक्स टू वाई टू जेड टू। हम गोले पर एक बिंदु P लेते हैं जिसके निर्देशांक x, y, z हैं। माना गोले पर बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z हैं। इस प्रकार बिंदु A x1, y1, z1, बिंदु B x2, y2, z2 है तथा बिंदु P इसके निर्देशांक x, y, z है। हम P को A से मिलाते हैं तथा P को B से मिलाते हैं। हम PA तथा PB के दिक अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। PA का दिक अनुपात PA के दिक अनुपात ये मिलते हैं
पीए के दिक अनुपात होंगे एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। पी ए के दिक अनुपात हमें प्राप्त होते हैं एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन तथा जेड माइनस जेड वन। पी बी के दिक अनुपात पी ए के दिक अनुपात इसे हम सुधार लेते हैं पी ए के दिक अनुपात पी ए के दिक अनुपात हमें मिले x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। पी बी के दिक अनुपात x माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू जेड माइनस जेड टू। चूंकि पी ए और पी बी परस्पर लंब हैं क्योंकि पी ए और पी बी परस्पर लंबवत हैं क्योंकि पी ए और पी बी परस्पर लंबवत हैं इसलिए इनके दिक अनुपातों के लिए ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो वाली शर्त का पालन होगा। तो हमें ये मिलता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इक्वल टू ज़ीरो। यह दिए गए गोले का समीकरण है जिसके व्यास के सिरे x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 हैं। यहाँ पर हमने इस शर्त का उपयोग किया है दो लंबवत रेखाओं के लिए दो लंबवत रेखाओं के लिए उनके दिक अनुपातों ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू ज़ीरो की शर्त लागू होती है। दो लंबवत रेखाओं के लिए ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसी सूत्र के आधार पर पी ए और पी बी यहाँ पर परस्पर लंबवत हैं तो इनके दिक अनुपातों के लिए भी इस शर्त का पालन होगा। तो हमें मिलेगा x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू ज़ीरो। यह अभीष्ट गोले का समीकरण है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। अब हम एक उदाहरण पर विचार करेंगे जिसमें गोले के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं। हमें गोले का समीकरण ज्ञात करना है
जिसके व्यास के सिरे दिए गए हैं। हमें उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं 2-3, 4 तथा -5, 6, -7। हमें उस गोले का समीकरण प्राप्त करना है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। पहला सिरा है 2-3, 4 जबकि दूसरा सिरा के निर्देशांक दिए गए हैं -5, 6, -7। हम गोले के लिए इस प्रकार से गोले के व्यास को दर्शाते हैं। हमें ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। गोले का व्यास ए बी है, हमें ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। X1, Y1, Z1 तथा X2, Y2, Z2 माना गोले का व्यास AB है। हमें A के निर्देशांक दिए गए हैं। A के निर्देशांक दिए गए हैं। A के निर्देशांक बराबर 2-3, 4। B के निर्देशांक ये दिए गए हैं -5, 6, -7। अतः X1, Y1, Z1 A के निर्देशांकों को X1, Y1, Z1 ले सकते हैं जबकि B के निर्देशांकों को X2, Y2, Z2 ले सकते हैं। अब हमें गोले के समीकरण में मान रखना है। हम गोले के समीकरण में दिए गए मानों को रखते हैं। गोले के समीकरण में दिए गए मानों को रखते हैं तो ये प्राप्त होगा गोले का समीकरण ये होगा X-X1, X-X2, Y-Y1, Y-Y2, plus Z-Z1, Z-Z2 equal to 0। इस समीकरण में हमें X1, Y1, Z1 और X2, Y2, Z2 के मान रखने हैं तो ये हमें इस प्रकार मिलता है
x माइनस टू, x माइनस माइनस फाइव, तो ये x प्लस फाइव। इसी प्रकार y के लिए y माइनस माइनस थ्री, y प्लस थ्री, y माइनस सिक्स, तथा z के लिए z माइनस फोर, z प्लस सेवन। ये हमने मानों को रखा, हमने x1 का मान रखा, x2 का मान रखा, फिर हमने y1 का मान रखा, y2 का मान रखा, फिर z1 का मान रखा, z2 का मान रखा, तो ये हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन। इसी प्रकार हम y के लिए प्राप्त करेंगे y स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स वाई माइनस एटीन, ब्रैकेट्स का गुणा करेंगे, प्लस z स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस सेवन जेड माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू ज़ीरो। हम स्क्वायर के पदों को पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का पद, फिर वाई स्क्वायर का पद, फिर जेड स्क्वायर का पद, फिर एक्स के पद लिखेंगे, तो 5x माइनस 2x, तो ये बचता है 3x प्लस 3x। इसी प्रकार y के पद हम देखते हैं, ये बचेगा 3y माइनस 6y, तो माइनस 3y। z के पद 7z माइनस 4z, तो ये बचेगा 3z। तथा नंबर में, संख्या में 10, 18, ये 28 और ये भी 28, दोनों माइनस में हैं, सभी माइनस में हैं, तो ये होगा 56 इक्वल टू ज़ीरो। इस प्रकार हमें गोले का समीकरण मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड माइनस 56 इक्वल टू ज़ीरो। तो इस प्रकार हमने इस उदाहरण में गोले का समीकरण हमने प्राप्त किया, हमें व्यास के सिरे दिए गए थे, हमने व्यास के सिरों के निर्देशांक का प्रयोग किया तथा गोले के समीकरण में रखा। गोले के समीकरण में हमने x1, y1, z1, x2, y2, z2 के मानों को रखा तथा हमें गोले का समीकरण प्राप्त हुआ। हमने उस गोले का समीकरण ज्ञात किया जिसके व्यास के सिरे हमें दिए गए थे। अब हम गोले से संबंधित अन्य प्रश्नों पर विचार करते हैं। हमें इस प्रश्न में दिया गया है, गोले का केंद्र दिया गया है तथा गोला एक समतल को स्पर्श करता है, ये बताया गया है। हमें गोले का समीकरण ज्ञात करना है, हमें गोले का केंद्र दिया गया है तथा गोला एक दिए गए समतल को स्पर्श करता है, ये दिया गया है।
इस आधार पर हमें गोले का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न इस प्रकार है, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र हमें दिया गया है 231। जिसका केंद्र 231 है तथा जो समतल हमें एक समतल भी दिया गया है, समतल x प्लस y प्लस z हमें एक समतल दिया गया है और समतल का समीकरण है x प्लस y प्लस z इक्वल टू जीरो को स्पर्श करता है। गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया गया है 231 तथा जो समतल को स्पर्श करता है। समतल का समीकरण x प्लस y प्लस z इक्वल टू जीरो हमें दिया गया है। हम ये जानते हैं कि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी यदि गोला समतल को स्पर्श करता है। यदि गोला समतल को स्पर्श करता है तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। चूंकि गोला समतल को स्पर्श करता है, चूंकि गोला समतल को स्पर्श करता है अतः गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। चूंकि गोला समतल को स्पर्श करता है अतः गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो हम गोले की त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं, अतः गोले की त्रिज्या बराबर होगी गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर। गोले की त्रिज्या बराबर होगी
गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगी। हम गोले के केंद्र से समतल पर लंब डाल लेते हैं तो ये होगा गोले की त्रिज्या a इक्वल टू गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। हमें गोले का केंद्र दिया गया है 231, जबकि समतल का समीकरण दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। गोले की त्रिज्या होगी गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर। तो हम ये देखते हैं गोले की त्रिज्या a, a का मान प्राप्त होगा केंद्र से समतल पर लंब की लंबाई। तो यहाँ लंब की लंबाई ये होगी 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो a इक्वल टू 6 अपॉन रूट 3, ये a का मान प्राप्त होता है। इससे सरल करने पर इसे हम सरल करते हैं तो ये मान हमें प्राप्त होगा a इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। 6 अपॉन रूट 3 को हमने 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 लिखा और इसे आगे सरल किया तो हमें a का मान प्राप्त होता है 2 अंडर रूट 3। हमने गोले की त्रिज्या प्राप्त कर ली। अब गोले का समीकरण होगा जिसका केंद्र हमें दिया गया है जिसका केंद्र है 231 तथा त्रिज्या 2 अंडर रूट 3 है। गोले का समीकरण जिसका केंद्र 231 तथा त्रिज्या 2 अंडर रूट 3 है ये होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। हम ब्रैकेट्स का विस्तार करते हैं, ब्रैकेट्स को सूत्र के द्वारा खोलते हैं। तो ये हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इसी प्रकार z माइनस 1 होल स्क्वायर से हमें मिलेगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 तथा दाएं पक्ष में ये मिलता है 4 इंटू 3। इस प्रकार हमें गोले का समीकरण प्राप्त होगा। हम स्क्वायर के पदों को शुरू में रखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर x का पद माइनस 4x, फिर y का पद माइनस 6y, फिर z का पद माइनस 2z।
संख्याएं 4, धन 4, धन 9, धन 1, तो ये मिलता है धन 14 प्लस 14 इक्वल टू 12। तो इस प्रकार हमें गोले का समीकरण मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 14 माइनस 12, तो ये होगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमने गोले का समीकरण प्राप्त किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0 हमें प्राप्त होता है। तो हमने इस प्रश्न में देखा, हमें गोले का केंद्र दिया गया है, गोले का केंद्र हमें दिया गया है 2, 3, 1, तथा गोला एक समतल को स्पर्श करता है ये शर्त दी गई है। चूंकि गोला समतल को स्पर्श करता है अतः गोले के केंद्र से समतल पर डाला गया लंब गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। हमने गोले की त्रिज्या प्राप्त करने के लिए गोले के केंद्र से समतल पर लंब का मान ज्ञात किया। हमें गोले की त्रिज्या प्राप्त होती है a इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 6 अपॉन अंडर रूट 3। हमने इसे सरल किया तो ये हमें त्रिज्या का मान प्राप्त होता है 2 अंडर रूट 3। इसके पश्चात हम गोले का समीकरण प्राप्त करते हैं जिसका केंद्र हमें दिया गया है, केंद्र 2, 3, 1 है, तथा गोले की त्रिज्या हमने प्राप्त कर ली है 2 अंडर रूट 3। अब गोले के समीकरण के समीकरण में हमने इन मानों को रखा। गोले का समीकरण जिसका केंद्र दिया गया है, जिसका केंद्र अल्फा बीटा गामा है तथा जिसकी त्रिज्या a है, वह होता है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस प्रश्न में अल्फा बीटा गामा के स्थान पर हमने 2, 3, 1 को रखा तो ये हमें मिला x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, त्रिज्या के स्थान पे हमने 2 अंडर रूट 3 रखा तो ये मिला 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। हमने ब्रैकेट्स को सूत्र की सहायता से हल किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे अप्लाई किया तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 3, 2 स्क्वायर 4 होगा और रूट 3 के स्क्वायर से 3 मिलेगा तो ये 12 बन जाता है। हमने गोले के समीकरण को प्राप्त किया, हमने स्क्वायर के पदों को पहले लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब हमने एक्स के पदों को लिखा, यहाँ पर एक्स का पद है माइनस 4x, फिर हमने वाई के पद को लिखा, फिर जेड के पद को लिखा, इसके बाद हमने संख्याओं को एक साथ रखा तो हमें समतल
तो हमें गोले का समीकरण प्राप्त हो गया जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस टू जेड प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो प्राप्त होता है। अब हम ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जिसमें हमें ये दिया गया है कि गोला दी गई बिंदुओं से होकर के गुजरता है तथा गोले का केंद्र दिए गए समतल पर स्थित है। चूँकि हमने ये देखा कि गोले के सामान्य समीकरण में u, v, w, d चार नियतांकों का प्रयोग किया गया है। गोले के सामान्य समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो में चार नियतांकों का प्रयोग किया गया है। u, v, w, d। इसलिए हम ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जिनमें ये दिया होगा कि गोला दिए गए तीन बिंदुओं से होकर के जाता है तथा गोले का केंद्र दिए गए समतल पर स्थित है। या ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिसमें ये कहा गया हो कि गोला दिए गए चार बिंदुओं से होकर के जाता है। तो हम अपने अगले क्लास में गोले से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।